वॉशर निकल चुका है, आप मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो आईडी है ये गोल नहीं है, इसी के लिए वजह से ये थ्रेड में अटक जाता है। पीछे से आपको दिखाई देगा मार्किंग स्विंग आर्म का, ये जो स्क्वेयरिश आ गया है इसी की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो आईडी जो है वो ओलोंग हो जाता है, यानी कि अंडा हो जाता है। स्ट्रॉकेट हमने निकाल देना है, अब इसके बाद हमें सस्पेंशन को निकालना है, तभी जाके ये जो चेन गार्ड है ये निकलेगा, क्योंकि इसका चेन गार्ड का सिस्टम अलग था। तो पहले हम सस्पेंशन को निकालेंगे। सस्पेंशन के लिए ये जो डोम बोल्ट है, डोम नट है आई एम सॉरी, इसको निकालना है। ये 17 नंबर का सॉकेट यहां पे लगने वाला है। दोस्तों याद रखना, इसको निकालना मत, यानी कि सस्पेंशन को जो है वो वैसे के वैसे ही रखना है। अभी सस्पेंशन को आपको नहीं निकालना है, उसका रीजन ये है कि पहले हम स्विंग आर्म का एक्सल निकालने वाले हैं। ये जो है 21 mm है, इसका चेंज हो चुका है नई गाड़ियों में। यहां पे नट है, ये नाइलॉक नट है, और स्विंग आर्म एक्सल कैप रहेगी आपकी गाड़ी में। ये गाड़ी में एक ही साइड पे है, क्योंकि ये गिर गई रहेगी, ऐसे नहीं है कि इसमें नहीं था। और ये साइड से आपको 21 mm लगाना है। दोस्तों हमेशा ज्यादातर करके नट को निकालना है, बोल्ट को वैसे ही होल्ड करना है। तो यहां से मैंने होल्ड किया है, अब हम वो साइड से न्यूमेटिक से नट निकालेंगे। अब पीछे से आपको ऐसे पकड़ के रखना है, और फिर सॉरी निमड़ी को निकाल के लेना है। इसमें नाइलॉक नट है, आप लाल कलर की रिंग देख सकते हैं, ये स्पेशल पॉलीमर है जो ये वाइब्रेशन के वजह से निकलने नहीं देता, ये पकड़ के रखता है। अब एक्सल को आपको निकालना है। एक्सल हो सकता है थोड़ा सा जैम रहेगा, तो उसके लिए आपको इंपैक्ट भी देना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इसके ऊपर आपको इंपैक्ट देना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं देना है। तो उसके लिए ये जो नट है ये वापस आपको लगाना है, और उसके बाद एक पुराना चाहिए तो आप वॉल ले सकते हैं, और उसको स्लोली अंदर ठोकना है। इसकी वजह से एक्सल के जो थ्रेड से वो खराब नहीं होंगे। अगर आप डायरेक्टली ठोकेंगे तो एक्सल का जो थ्रेड है वो खराब हो जाएगा। एक्सल अंदर गया है, इसके अंदर वॉशर है एक, हम वो साइड से अब एक्सल खींच लेंगे। अभी भी इसको थोड़ा सा अंदर खोलना पड़ेगा, मैं वापस एक बार एक्सल बाहर आ चुका है, एक्सल को आपने बाहर निकालना है। अब जो स्विंग आर्म है वो नीचे आ चुका है, वहां से डिसलोकेट हो गया है।
आप देख सकते हैं इसमें से जो स्विंग आर्म ऊपर था, मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूं, स्विंग आर्म का होल जो है वो ये वाला है और स्विंग आर्म नीचे गिर चुका है। यहां पे होल है, यहां पे एक्सल था, एक्सल होल यहां पे है। अब आप ये सस्पेंशन ना निकालने का रीजन यही है कि ऊपर जो है स्विंग आर्म अभी फ्लोट कर रहा है, डायरेक्टली गिरा नहीं है, नहीं तो आपके पैर के ऊपर गिर सकता है। इसी के लिए सस्पेंशन जैसे के वैसे ही रखना है। अब इसको हम स्विंग आर्म को निकाल लेंगे। और फिर सस्पेंशन को यहां से हटाना है। बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी चीज में घाई नहीं करना है आपने। आपने देखा दोस्तों कि बहुत ही आसानी से मैंने ये चीज निकाल दी है। अब इसका जो प्रॉब्लम है, चेन इसमें अभी भी अटकी हुई है, तो ये जो चेन है ये हमें निकालनी है, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इसके चेन गार्ड को निकाल लेते हैं। इसमें 12 नंबर का हेड है। बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। अब जो है वो मेन पॉइंट आया है कि इसके बुश चेंज करने का तरीका। हमने स्विंग आर्म तो निकाल लिया है, अब इसमें ये साइड से सील है और ये साइड से भी सील है, तो ये आपको निकाल देना है। इसके बाद इसमें स्टेबलाइजर है, तो ये स्टेबलाइजर जो है ये भी आप निकाल दिया तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसके पहले इसका सील निकालना है। चेन स्टेबलाइजर निकाल देना है। अब आपके पास आता है इसका पूरा एक्सिस, ये जो है बुश आपको रिप्लेस करना है, सेंटर का पाइप आपको रिप्लेस करना है। पुरानी गाड़ी में, पुरानी यूसी में ये जो था ये लंबा था क्योंकि इसमें सील नहीं थे पहले। तो अब हम इसे चेक करेंगे